किस नेचर का आदमी है वो सारा मैं इंडिया की जनता को बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी शादी 1999 में 14 फरवरी को हुई, जो बाबा जी ने अपनी पसंद की लड़की हनीप्रीत, उसका नाम पहले प्रियंका तनेजा था, वो फतेहाबाद के रहने वाले थे, तो मेरा शुरू से बचपन से उनसे एक फैमिली रिलेशन बन गया। मैंने अपनी ज़िंदगी में उनको माँ बाप भाई बहन दोस्त यार मित्र सब कुछ माना। मैंने अपने बाप को इतना नहीं माना जितना मैंने गुरमीत सिंह को माना। जैसे जैसे मैं जवान होता गया, डेरा चलता गया, बाबा सत्संग करने लग गया, और मेरी फैमिली शुरू से जहाँ भी बाबा जाता था सत्संग करता था, मैं और मेरी फैमिली हमेशा उसके साथ होते थे। बाबा के बच्चे जवान हुए धीरे धीरे, तो हमारा एक फैमिली रिलेशन डेवलप हो गया। ये तो है मेरी पीछे कहानी। जब हम उसके बहुत विश्वास पात्र फैमिली थी बाबा की, अगर वो हमारे को दिन का दिन कहे रात का रात, वो हम करते थे, हमारा इतना विश्वास था गुरमीत सिंह पे। चलो मैं शॉर्ट करता हूँ, 1999 में 14 फरवरी को उन्होंने मेरी शादी अरेंज कर दी, मेरी शादी हो गई। मैंने लड़की नहीं देखी कि लड़की कौन थी। जब वहाँ पे डेरे में रीत है कि जब हाथ डालते हैं तो गुरुजी के सामने डलता है, बाबा के सामने, तो गुरमीत सिंह बैठा था स्टेज पे और हमारा हार का जो प्रक्रिया चली, मैंने तब भी उस लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखा कि लड़की कौन है। मेरी नज़र गुरमीत सिंह की तरफ थी, तो मैंने बाद में देखा कि भी लड़की कौन है। तो इसमें क्या रहा कि जो हमारी फैमिली बाबा से बहुत नज़दीक थी, वो मुझे अपना बेटा मानता था डेरे में, कि भी मेरा ये दूसरा बेटा, एक तो जसमीत है और एक विश्वास है। तो उसने क्या मेरे साथ जो सिस्टम हुआ, मैं 1999 से 2009 के बीच में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि मेरे और हनीप्रीत के बाबा से कैसे रिश्ते रहे। तो 1999 से जब इसने सत्संग स्टार्ट कर दिए और वो उसने कहा कि बेटा आपकी फैमिली को हम अपना परिवार मानते हैं, तेरे को लड़का मानते हैं, तो ये लड़की आई है तो आज से ये हम इसको बेटी ही मानते हैं। मैं 1999 की बात कर रहा हूँ कि इसको हम लड़की ही मानते हैं, ये हमारी लड़की जैसी, हम इसको प्यार देंगे, सब कुछ देंगे जैसे तेरे को देते हैं। तो क्या होता था, तो हर वीक में गुरमीत सिंह का मैसेज आता था बंदे के थ्रू, मेरे को और मेरी वाइफ को गुफा में बुलाया जाता था। कभी दिन में बुला लिया जाता था, कभी लेट आवर्स में भी बुलाया जाता था। उसमें क्या होता था, जो गुरमीत सिंह का कमरा था, मेरी वाइफ उसके अंदर चली जाती थी और मुझे बाहर लिविंग रूम में बिठा लिया जाता था। जो उसके भगत होते थे वो मेरे से बातें मारते थे। उसके पीछे कहानी ये थी कि भी ये बेटा हमारा साथ सुख दुख कर जाती है, ये लड़की ये सुख दुख कर जाती है हमारे साथ, और कोई बात नहीं। तो आधा घंटा, कई बार घंटा भी हो जाता था, उसके बाद मुझे अंदर बुला लिया जाता था। तो आधा पौना घंटा वो हमारे से बातें करता था, बिजनेस की बातें करता था मेरे से, सबसे सारा कुछ करता था। तो ये प्रोसीजर 1999 शादी के फर्स्ट डे से लेके 2009 तक एज इट इज चला। मेरे को जिंदगी में कभी शक नहीं हुआ कि ये मैं जिसको भगवान मानता हूँ उस वो ऐसा काम अंदर चल रहा है या उसके ऐसे रिलेशन है उसके साथ। मैंने कभी जिंदगी में, मैं अपने बाप की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने सपने में भी ये चीज नहीं सोची कि भी ये कहानी होगी। आपको कभी भी शक नहीं हुआ? नहीं, कभी भी नहीं हुआ, आपकी भाई ने भी आपको कभी नहीं बताया? कभी भी नहीं। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के से आज सच बोलने आया हूँ, झूठ मेरे पास इतना भी नहीं है। अगर मेरे को कोई लेफ्ट राइट क्वेश्चन भी किया जाएगा, मेरे को जो चीज नहीं पता मैं कहूंगा मुझे नहीं पता। अच्छा बेटा, 10 साल तक आप इतना भरोसा रखते थे, आपने कभी भी स्पॉट कर पाई है? नहीं कर पाए, हकीकत है। तो क्या हुआ, नवंबर 2009 में मेरे कजन सिस्टर की शादी थी सिरसा डेरे में ही। जब मेरी सिस्टर की शादी थी उसमें बाबा जी भी आया, ये गुरमीत सिंह। और उसके बाद उन्होंने क्या किया है, 1 दिसंबर को जो सलमान खान बिग बॉस खिलाता है, जो चलते हैं आप लोग सब जानते हैं बिग बॉस के बारे में, तो गुरमीत सिंह ने अपनी गुफा में बिग बॉस का सेटअप, सारा सेटअप कर दिया। जब उसने बिग बॉस का सेटअप किया, उसमें उसने क्या किया, एक तो मेरी फैमिली, मैं और मेरी वाइफ हनीप्रीत, सेकंड बाबा का लड़का बहू, बाबा की दोनों लड़कियां दोनों दामाद, और बाबा की जो छोटी लड़की है उसकी 2 नंदे हैं, 2 नंदे और उसके दामाद, 6 फैमिलीज को गुफा में रात को घुसा लिया। और हमारी जितनी भी फैमिलीज थी, मेरे घर पे मेरे फादर हैं या जसमीत की मदर हैं या दादी हैं, सबके घरों में ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई कि ये लोग फ़ौरन चले गए घूमने 28-30 दिन के लिए, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन हम इसको बता नहीं रहे कि कहाँ गए, इसलिए हमने उन्हें बाहर भेज दिया घूमने। तो 28 दिन उन्होंने हमें बिग बॉस खिलाया वहाँ गुफा के अंदर। हाँ जी, बिग बॉस खेलने कितने लोग गए थे और आपके बाकी जो लोग थे उनके आपके बारे में क्या बोला? मैंने आपको क्लियर किया कि एक तो बाबा जी की लड़का बहू, एक कपल, वो
दोनों लड़कियां दोनों दामाद बाबा जी की, चौथा कपल में, और दो कपल जो छोटी लड़की के लड़की और दामाद थे, दो छह कपल उन्होंने अंदर लिए और सबके घरों पर यह मैसेज दे दिया कि उनको फौरन भेज दिया गया। ठीक है, डेट्स क्लियर। तो बिग बॉस खिलाना था तो बाबा ने उसको हैंडल करना था, तो कैसे कहता कि मैं अंदर बिग बॉस खिला रहा हूँ। सबसे छुपा के गेम हुआ, तो वो जैसे बिग बॉस चला, जो प्रक्रिया थी बिग बॉस की, लड़कों का रूम अलग, लड़कियों का अलग, फिनिशमेंट रूम, डाइनिंग रूम, खाना अपने बनाना, कपड़े खुद धोने, वो सारा सिस्टम एज इट इज था। उसको मॉनिटरिंग गुरमीत सिंह कर रहा था, कैमरे लगे हुए थे, सब कुछ था, बोलने का भी, आवाज़ भी आती थी। तो उसमें एक ही जो प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि जो पनिशमेंट थी, अगर कोई गलती करता है उसमें जो पनिशमेंट थी, उसमें था कि बाबा का सिमरन जपना है 10 मिनट। जैसे मैंने अगर पहली बार गलती करी तो मुझे 10 मिनट उस रूम में जाके बैठ के सिमरन करके बाहर आना होगा। और उसमें एक ट्विस्ट था कि जितनी बार गलती करोगे वो डबल होता जाएगा, 10 का 20, 20 का 40, 60, वो बढ़ता ही जाएगा टाइम आपका। तो हम जितने भी 6 कपल थे, हमने सबने करा भी गलती कम करेंगे, भी क्यों पनिशमेंट लें, यंगस्टर तो सिमरन आप समझते हैं कितना करना चाहते हैं। तो जो मेरी वाइफ थी हनीप्रीत, वो अब पता चलता है कि उसके साथ मिली हुई थी, उसको सारा प्लान था प्रोग्राम बिग बॉस का, उसने फर्स्ट डे से, फर्स्ट इंस्टांस से गलतियां करनी शुरू कर दी, 10-20, वो मतलब एक दिन में इतने टाइम पे पहुंच गई फर्स्ट डे में कि वो उस कमरे में से बाहर नहीं आ सकती थी। उसका कारण ये था क्योंकि हमने भी एक दो गलती करी, एक बार हम भी अंदर गए, बाबा की फैमिली भी गई, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, मैंने और एक बंदे ने पॉइंट आउट करा कि जब हम माफी का जो अंदर कमरा है उसके पीछे एक पर्दा लगा हुआ और एक दरवाजा है, वो दरवाजा बाबा की गुफा की तरफ जा रहा है, कमरे की तरफ कह लीजिए आप। तो मैंने भी पॉइंट आउट करा, किसी एक बंदे ने और पॉइंट आउट किया फैमिली में से, तो समझ में थोड़ा आ रहा था कि भाई कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब ये लड़की जब रात को भी नहीं निकलती कमरे में से, दिन में टास्क के टाइम सिर्फ बाहर आती है, मोस्टली टाइम इस रूम में निकाल दी है, तो इसका मतलब ये है कि ये कमरे में से आउट हो रही है, बाबा की तरफ जा रही है। तो ये प्रोग्राम 28 दिन चला। एक विशा से बात थी कि हनीप्रीत रात को चली जाती थी, तो हनीप्रीत के लिए एक्सेप्शन था या वो यानी उसका टाइम पीरियड इतना हो गया था कि सिमरन उसको करना ही पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, समझो ना, 10 का 20, 1 घंटे का 2 घंटा, 2 का 4, 4 का 6, 6 के 12, वो ऐसे 2 दिन में सेटिंग आ गई टाइम की कि उसको उसी रूम में रहना है। वो तो उनकी चाल थी, बाबा गुरमीत राम ने इनकी। आप बाद में प्लीज क्वेश्चन करें, अगर मैं प्लीज पहले आप मेरा सुन लीजिए, उसके बाद जो मर्जी करो, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा बहुत ज्यादा। तो ये 28 दिन प्रोग्राम चला, जब 29वें दिन इसका रिजल्ट आना था तो हनीप्रीत को ही बाबा ने उसका गेम का विनर घोषित किया कि यही विनर है, इसने सबसे ज्यादा सिमरन करा, जो भी करा, उसको शील्ड दी गई और 50,000 रुपए का कैश दिया गया बाबा की तरफ से। जैसे ये हुआ उसके बाद बाबा ने, बाबा की सारी फैमिली, हम सारे बैठे थे, तो गुरमीत सिंह ने ये कहा कि वैसे तो हमने इसको बेटा बना रखा है और ये बेटी है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारा दिल करता है कि इसको ऑफिशियली बेटी बेटी बना दें, घोषित कर दें, गोद ले लें। पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा, जब गोद का वर्ड आया, जो हनीप्रीत है ना तो वो आज बाबा की बेटी है किसी भी रूप में, और ना ही वो गोद लिए बेटी है, क्योंकि उसका जन्म 1980 का है और बाबा का जन्म 1967 का है, 13 साल का डिफरेंस है। जो भी ऑफिशियली अडॉप्ट होता है उसको 21 साल कम से कम होना चाहिए। जब अडॉप्शन 2009 में हुई, कोई लीगली कार्रवाई नहीं हुई, ये सब एक दिखावा था, संगत के सामने कह दिया कि मेरी लड़की है, ये मेरा दामाद है। आज मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ के खिलाफ कर रहा हूँ, वो उसकी लड़की नहीं है, किसी भी कीमत पे लड़की नहीं है, मैं क्लियर करना चाहता हूँ सबको। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा भी मैं इसको लड़की बनाना चाहता हूँ, फैमिली से पूछा, वो कहते कोई बात नहीं बनाओ जी, मेरे से पूछा, मैं कोई नहीं बना लो जी, तो कहता ठीक है फाइनल है, इसको लड़की बना लेते हैं, और आप लोग सब घर जाइए, और शाम को पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी डेरे की गुफा के अंदर, ओपनली नहीं, जो मोजिस बंदे थे, जो खास बंदे थे, 200-300 बंदे, वो सारे इकट्ठे कर लिए गए, मेरी फैमिली सबको बुला लिया गया वहाँ से। तो शाम को पार्टी करी, तो वहाँ का डेरे के प्रबंधक या जो भी था उस टाइम, उसने अनाउंस करा कि भाई ये आज से ये गुरुजी ने गोद ले ली है लड़की, और ये बाबा जी की मंझली बेटी है, बड़ी बेटी से सेकेंड बेटी है, क्योंकि एज का डिफरेंस था, और ये बाबा जी का दामाद है,
और आज से जो शाही परिवार इस परिवार की इज्जत संगत में है वो सारी इज्जत इनको दी जाएगी और आपको देनी है, और जो सिस्टम परिवार का है ये हमारा परिवार है, ये अनाउंस कर दिया उन्होंने, वो मैटर्स एंड हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जब वो मीटिंग खत्म हो गई उसके बाद बाबा अपने जहाँ बैठता था वहाँ के बैठ गया और बाबा का परिवार बैठ गया, मेरी फैमिली भी आके बैठ गई क्योंकि एक दामाद बना लिया था, मेरी फैमिली को भी बुला लिया गया, सबसे बाबा मिला हालचाल पूछ के, जब सब उठ के जाने लगे बाबा की टोटल फैमिली भी चली गई, सब चली गई, मैं और हनीप्रीत को रोक लिया गया बाद में, लास्ट में रोक के मेरे को बाबा ने कहा कि ऐसा है विश्वास, 28 दिन से तो हम बिग बॉस खेल रहे थे, टाइम ही नहीं मिला मिलने का आपस में, तो अब तो बेटी भी बना लिया इसको। मैं कहा जी बिल्कुल बना लिया है। तो वो कहने लगा कि एक बेटी अपने बाप के घर, बेटी अपने बाप के घर एक रात तो रह सकती है? मैं कहा जरूर रह सकती है, बाप बेटी का रिश्ता है, वो तो पहले भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिर ऐसा करो आप जाओ अपने घर और ये यहाँ रहेगी, आप सुबह ले जाना इसको। मुझे हैरानी हुई पर मैं कहा चलो कोई बात नहीं ठीक है। तो अपने बंदों को कहता जाओ 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 इनको छोड़ के आओ, और जैसे इज्जत देते हैं ना कि इनको घर छोड़ के आओ, ये तो दामाद बन गए इनको घर छोड़ के आओ गाड़ियां लगाओ, मतलब उसने वो कोशिश करी। तो मुझे घर भेज दिया गया, सुबह हनीप्रीत का मेरे मोबाइल पे फोन आ गया, 10 या 10:30 का टाइम था कि आप ले जाओ मुझे आके। तो उसी टाइम बाबा ने डेरे की एक जिप्सी, दो जिप्सियां मुझे दे दी, गनमैन दे दिए सरकारी दे दिए, पर्सनल PSOs दे दिए, जो डेरे का डमडमा था जेड प्लस का कह लो, डेरे का पर्सनल कह लो, दिखावा कह लो, वो सारा कुछ ने मुझे दे दिया। उसका मकसद ये था कि ये लड़का इस दिखावे में, पैसे में, पावर में धुत हो जाएगा और लड़की के साथ मैं अपना काम चलाता रहूंगा, दुनिया की नजर में पति पत्नी रहेंगे, काम मेरा चलता रहेगा। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण मैं और बताना चाहता हूँ, जब 1999 से पहले CBI के केसेस सारे खुल चुके थे, चार्जशीट भी मेरे ख्याल से हो चुकी थी, बहुत बदनामी भी हो चुकी थी उस आदमियों के इसमें, तो वो ये चाहता था कि भाई एक पक्का बंदा रख लिया जाए, भाई ज्यादा मुंह मारने का कोई फायदा नहीं है, एक पक्का अड्डा एक मेरी बीबी के रूप में एक लड़की रहे, मैं उससे ही गुजारा कर लूं, भी बहुत बदनामी होगी, उम्र भी हो चुकी है, उम्र भी हो चुकी है, तो उसने ये पक्का इरादा किया। और ये फैक्ट है, आज जो भी मीडिया बोल रहा है मैं बाद में बात करूंगा इस बारे में। तो मैं आया, मैं लड़की को ले गया, तो एक दिन नेक्स्ट डे भी यही प्रोसीजर चला, वो कहती मुझे सेवा करनी है, मुझे गुफा में काम है, वो नेक्स्ट डे भी मेरे पास नहीं आई, चलो चलता रहा। मन में थोड़ी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई कि भाई ये क्या कहानी है, भाई लड़की बनाई है कि क्या है, क्या सिस्टम क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चलो जी, इनका 25 जनवरी का भंडारा होता है बड़े गुरुजी का, तो ये हर स्टेट में बनाते हैं, तो फर्स्ट वीक का UP में भंडारा था, तो एक दिन का ही गैप था शायद, तो बाबा वहाँ चला गया UP, तो हम भी बाबा के साथ थे, वो तो लड़की दमाद के, तो रास्ते में इनका भालगढ़ में एक आश्रम आता है, वो लड़की अभी मेरे साथ मेरी गाड़ी में ही है, मेरी पर्सनल गाड़ी जो पहले हुआ करती थी, ठीक है कि वो बाबा की गाड़ियों में बीच में एडजस्ट होगी काफिले में सिक्योरिटी में, वो अलग बात है। जब भालगढ़ रुके, बाबा ने लंच वगैरह जो लेना था लिया, हमने भी लिया, तो बाबा ने मुझे कहा कि बेटा हनीप्रीत का मन कर रहा है कि हमारे साथ बैठे गाड़ी में। मैं कहा जी कोई नहीं बैठ जाओ, आप भी आ जाओ गाड़ी में। मेरे को कहने लगे ऐसा करो आपको गाड़ी बड़ी अच्छी चलाते हो, आप गाड़ी चला लो, एक बंदा राकेश है डेरे का वो आगे बैठ जाएगा और हम बाप बेटी पीछे बैठ जाएंगे, वो जबकि कैबिन बंद होता है बाबा की गाड़ी में, मैं कोई हाँ पार्टीशन होता है, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में पार्टीशन होता है। तो टेंट डला, वो हम बैठ गए, मैं गाड़ी चलाई, वहाँ से शायद 50 किलोमीटर ही है उनका आश्रम, 50 या 60 बालगढ़ के पास UP में, वहाँ जाकर उसने बड़ी तारीफ करी, बड़ी अच्छी गाड़ी चलाई आपने, ये है वो है। चलो कोई बात नहीं, जो बाबा की गुफा है उसके साथ ही शाही परिवार के जो रूम्स होते हैं बाबा की फैमिली के, और मेरे जो पहले भी रूम हुआ करता था वो पहले वहाँ शाही परिवार के साथ ही हुआ करता था, अब तो लड़की बना दी मुझे, वो रूम दे दिया गया। फिर वही प्रॉब्लम, रात के 9 बज गए, उसका कोई अता पता नहीं लड़की का आना है नहीं आना, मेरे मदर फादर भी साथ थे, वो अपने अलग रूम में सो रहे थे, मैं बेचैन की भी क्या हुआ अब भी नहीं आई, अब तो मैं डेरे में हूँ, अब मैं अपने घर में तो नहीं हूँ, अब तो आना चाहिए, उसका सामान भी सारा मेरे कमरे में पड़ा, कपड़ा लत्ता सब कुछ जी। वो सारी रात निकल गई, वो लड़की मेरे पास वहाँ भी नहीं आई, और मैं वहाँ पे एक साध्वी आश्रम होता है बाबा के साथ और हमारे कमरे से बीच में एक पार्क था, मैं सारी रात वहाँ घूमता रहा बेचैन रहा, और वो चार दीवारी से कवर था, बाहर कोई देख नहीं सकता कौन है अंदर क्या हो रहा है। तो जब बाबा का सेवादार सुबह 5 बजे उसने दरवाजा खोला,
और मैं बाहर था ही, तो मैंने उसका नाम धर्म सिंह था जो बाबा का खास सेवादार था उस टाइम। मैं कहा धर्मा भाई हनीप्रीत कहाँ है? तो जो साधनियाँ थी वो पांच बज चुके थे, पांच सात साधनियाँ भी बाहर आ गई। उन्होंने भी ये मेरी वर्डिंग सुन ली कि भी सो काल जीजा जी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भी हनीप्रीत कहाँ है, क्योंकि मैं जमाई तो था नहीं, मैं तो किराए का टट्टू था वहाँ एक तरह से। तो वो भी भुचक्का रह गया बंदा कि ये क्या पूछ रहे हैं मेरे से। तो वो चुप रह गया, उसने दरवाज़ा बंद करा, वो अंदर चला गया। विद इन 10 मिनट्स वो बंदा फिर बाहर आया मेरे पास, कहने लगा कि आपको बाबा जी बुला रहे हैं। मैं कहा चलो भाई बुला रहे हैं। तो बाबा अपनी गुफा में नहा के निचले कमरे में सोफे पे बैठा था, मैं एग्जैक्ट पोजीशन, सर्दियों के दिन थे, शाल ले रखी थी, और वो हनीप्रीत उसके गोड्डे में सर लिए बैठी थी और वो रो रही थी। अब आप पूछेंगे क्यों रो रही थी, मैं भी घबरा गया। बाबा ने मुझे जाते ही कहा, बेटा तू इतने साल से यहाँ रहता है, तू हमारे साथ रहा, तेरा भी मन विचलित कर गया। बेटा हमें तो सारी रात से बुखार है, और बुखार होने की वजह से हम, ये लड़की यहाँ रही, अपने बाप की सेवा करी, ये कैसे जाती कमरे में, और तेरा मन खराब कर गया। और बाबा लिटरली रोने लगा, बाबा भी रोने लगा लड़की के साथ। उन्होंने ऐसा ड्रामा किया कि मेरा भी रोना निकल गया कि भाई तू गलत है, ये सही कह रहे हैं, भाई बुखार है, भाई पिताजी को बुखार है, अभी तो स्टार्टिंग हुई थी, कोई बात नहीं। मैं कहा चलो जी, माफ़ी मांग ली, मैं कहा मेरी गलती है, मेरे मन ने गलत करा। उसके बाद उन्होंने वहाँ पार्टी रख ली जी, जवाई बनाया जी, लड़की बनाई है जी, गुफा में बड़ी पार्टियाँ शार्टियाँ चली, तो वो करके हम वापस आ गए। तो वो सिस्टम वो एग्जैक्ट चलता रहा, बस वो ख़त्म हो गया। वो उस दिन के बाद ना मेरे पास घर आई, ना मेरे पास एक रात सोई, वो गुफा में ही रहती थी। फिर इन्होंने कहा, बाबा ने मुझे, कि आप ऐसा करा करो कि 2 दिन आप अपने घर रहा करो और 2 दिन गुफा में ही सोया करो, क्योंकि जो सिक्योरिटी थे या जो बंदे थे उनको सबको पता था कि हनीप्रीत यहाँ रहने लगती है। तो मेरे आने जाने से वो पर्दा रहता था कि भी ये भी यहाँ रहता है, दोनों आ जाते हैं चले जाते हैं, वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं भी जाता, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। चलो हम इसको थोड़ा शॉर्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत लंबी कहानी है, अगर मैं सारी सुनाने बैठ शायद सारी रात नहीं, बहुत लंबा चलेगा। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे टूरों पे जाते थे, होटल्स में रूम लिया जाता था, वो रूम वो लिया जाता था कि जिसमें बेबी के लिए, चाइल्ड के लिए बीच में दरवाज़ा होता है, भी बच्चे उधर सो गए, माँ बाप इधर सो गए, एक दरवाज़ा है। तो बाहर से बाबा घुस जाता था इधर से, मैं और मेरी हनीप्रीत वाइफ घुस जाती थी। जो बाहर खड़े लोगों को लगता था कि बाबा अपने कमरे में गए, ये अपने कमरे में, वो उधर से निकल के उधर चली जाती थी। वो ना रात को कभी आती थी, उसके पास उसकी बेड पर ही सोती थी। वो कौन सी बेटी है आज, कौन सा बाप है जो अपनी बेटी को अपने एक बेड पर सुलाएगा? आज कलयुग में कौन है, कोई सुला सकता है? आपने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया? मैंने करा ऑब्जेक्ट, वो कहते नहीं, तो मैं तो सेवा करती हूँ, मेरा गुरु है, मैं नहीं, मैं तो यहीं रहूंगी, आपने जो करना है कर लो मेरा। पर बाबा चाहता था कि नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तुझे बकरा बन के यहाँ रहना पड़ेगा, दुनिया के सामने तेरा यूज होएगा और नाम तेरा काम मेरा। फैक्ट्री था ये। और उसमें क्या किया उसने, डेरा मैनेजमेंट, जितनी भी डेरा मैनेजमेंट थी, कोई भी डिपार्टमेंट था, कोई बिजनेस था, वो अपनी गुफा के नीचे कमरे बना दिए और मुझे और बाबा के 2 दामाद को वहाँ का हेड बना दिया। वो दामाद तो बहुत कम आते थे, क्योंकि पास ऐशोरथ का बहुत काम था, बच्चे भी थे उनके आगे, बच्चे भी थे, तो मेरे पास तो मैं तो खाली इंसान था ना, मेरे को रात को सोने को मिलता था टेंशन के वजह से, ना मैं दिन में सो पाता था। तो मुझे वहाँ बिठा दिया गया से बकरा, जितना डेरा मैनेजमेंट, जितने आदमी, जिनको जो काम पड़ता है वो मेरे पास आता था कि भी जीजा जी बोलो ये क्या करें। उन लोगों को बहुत खुशी की लहर भी थी कि भी आज एक बंदा अपॉइंट हो गया जिससे हम काम करा सकते हैं। हम बाबे पे तो हर टाइम जा नहीं सकते कि हमने ये कराना है, आज कैंटीन में ये कराना है। एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो कुछ भी डेरे में होता था वो पत्ता भी बाबा के कहे बिना नहीं हिलता था। अगर एक ईंट भी लगानी होती थी तो वो बाबा से पूछे बिना नहीं लग सकती थी डेरे में। ये डेरे का टेक्सचर जो मैं बताना चाहता हूँ। तो ये चलता रहा, मैं बहुत बीमार रहने लग गया, ये लोग घूमते रहते थे टूरों पर, मैं लॉन में पड़ा रहता था, मुझे डॉक्टर टीम देखती रहती थी, मेरा बीपी, मेरा हर, मेरा मतलब सिस्टम खराब हो गया ना। मैं किसी को कहने जोगे था कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई विश्वास भी नहीं करता था और मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो चलो ये सारा 2011 तक ये चैप्टर मैंने 1.5 साल वहाँ सहा, खून की घूंट पी। 2011 तक, हाँ जी। और 2011 में एक दिन मैं बाबा की गुफा में ही था, मई में, वो मैंने अपनी हाई कोर्ट की पटिशन में दी है, जो पहले भी दी है और आज भी बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ।
तो बाबा की गुफा में रहता था, तो बाबा और मेरा कमरा साथ साथ था, तो नींद तो मुझे वैसे ही नहीं आती थी, बेचैन में रहता था। जैसे मैं बाहर आया, मैं पानी पीने के लिए बाहर आया, तो जब आदमी को क्रोस्टी भी है, बेचैन भी है, परेशान भी है, वो क्या करेगा। तो मुझे थोड़ी सी हल्की सी आवाज़ सुनाई दी वहाँ पे कि कुछ गड़बड़ है। तो मैं बाबा के कमरे के साथ जैसे ऐसे हुआ, तो दरवाजा पता नहीं भगवान ने मेरी आँख पूरी 100% खोलनी थी, क्या था वो तो भगवान जाने, वो दरवाज़ा खुल गया। और दरवाज़ा खुला तो अंदर सारा सब कुछ चल रहा था, वो न्यूड थे, सेक्स कर रहे थे। बाकी ब्याह मेरी एक उस टाइम मैंने जब कहा, उस टाइम तो मेरी वाइफ थी, चलो आज तो वाइफ नहीं है, मेरा डिवोर्स हो गया, पर मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के बताना पड़ा, ये बहुत ज़रूरी था, नहीं तो आज बहुत मुश्किल है अपनी वाइफ के बारे में कहना। मेरी भी तो इज्जत, मैं भी तो एक खानदानी आदमी हूँ, मेरे साथ बहुत मुश्किल है। आज दुनिया के लिए तो मैं मजाक बन जाऊँगा, या मीडिया के लिए, या एक सारा सिस्टम है वो कहेंगे क्या बोल रहा है, लोग मेरा वो भी करेंगे, हो सकता है मैं यहाँ से निकल भी ना पाऊँ। ठीक है सर, तो जब हुआ ये 2011 में हुआ, तो बाबा ने भी देख लिया, उसने भी मुझे धमकी दे दी कि अगर तूने अपने जाके पेरेंट्स को या किसी को ये वाक्या बताया तो ना तो तेरे खानदान को छोड़ेंगे और तुझे तो छोड़ना ही क्या है, देख ले तूने क्या करना है, ये तेरे पे ऑप्शन है विश्वास। हाँ, पर्सनली बाबा ने मुझे कह दिया उसी टाइम। उस धमकी दी तो कौन कौन था? बाबा और हनीप्रीत थी, और कोई होता ही नहीं था वहाँ पर। मैं बताऊंगा, वो तो आगे है चैप्टर माफी। आप इतनी जल्दी अगर कहेंगे कि रामायण मैं पूरी कर दूंगा, मैं कर नहीं सकता। जो भी है ये, अगर आप मेरे को कहोगे माफी को, तो बहुत 2014 की बात है। मैं बताता हूँ सर, आपको बताता हूँ, अभी आप चलने बोलने तो दीजिए मुझे, आज हकीकत मुझे बोलने दो, अगर नहीं बोलना तो आपकी मर्जी है, मैं क्विट कर जाऊंगा यहाँ से। मैं बड़ी मुश्किल से 25 दिन में अपना मन बना के, अपनी जान हथेली पे लेकर तैयार होकर बड़ी मुश्किल से आया हूँ, तो मुझे बोलने दिया जाए। हाँ, कोई मजाक नहीं चल रहा यहाँ, मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हाँ, तो क्या था, जब उन्होंने धमकी दे दी, मैं अपने घर चला गया। मैंने अपने फादर को कहा, भाई ये सिस्टम है और ये हुआ, मैंने आंखों से देखा, अब तो मानना चाहिए। तो उन्होंने माना, और साथ ही साथ एक या दो दिन में डेरे के जो पर्सनल सिक्योरिटी के गनमैन थे, डेरे के स्कूल के बच्चे भर्ती कर रखे थे डेरे ने, लंबे लंबे कद के भर लिए, उनको वर्दी बना दी कॉफ़ी कलर की, उनको असले दे दिए हाथ में खड़े रहने के लिए। उनमें से जो हमारे लगाए बच्चे थे, क्योंकि शुरू से बेमार रहा डेरे से बचपन में, सब मेरे साथ, मेरा प्यार था सबके साथ, सबका लगाव था, तो वो दो बच्चे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा आज, वो मेरे फादर के पास आ गए कि हमारे को ऑर्डर मिल गए हैं कि इनको जीजाजी को ख़त्म करना है। हाँ, मारने का ऑर्डर दे दिया है, पर हमारा दिल नहीं मानता है कि हम इनके साथ रहे हैं, हम इनकी नेचर जानते हैं, हम तो नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, कोई थर्ड पर्सन करेगा तो है, बस हम इतनी हेल्प कर सकते हैं, हम इनको चुप चुपाते यहाँ से निकलवा दें, अगर आप तैयार हो इनको निकाल दें। तो मेरे फादर ने ना कुछ, हाँ मैं अपनी कोठी में ही था, तो मेरे फादर ने ना, जब उनका, मैं इकलौता लड़का हूँ, कौन माँ बाप है, आपके भी बच्चे हैं, आपके बच्चे के बारे में कोई कहे कि वो तेरे को मार देगा, तो और भी इतना शक्तिशाली आदमी, क्या आप उस टाइम को सोचोगे, अगर भाई इसको काट निकालो यहाँ से, जो होगा देखा जाएगा। तो मेरे को और मेरी मदर को और मेरी फैमिली को उन्होंने निकलवा दिया रातों रात, और मेरे को, मैं पंचकुला आ गया, पंचकुला मेरे मामा जी रहते हैं, उनके पास आ गए। तो उसके बाद हमने मकान किराए पर लिया, 2011 की जुलाई में मैंने डेरा छोड़ के पंचकुला आ गया। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, जब मैं पंचकुला आ गया, मैंने किराए पे मकान ले लिया, और मेरे फादर और मैं वहाँ जाके सामान भी उठाने गए, उसमें भी एक बहुत बड़ी परेशानी हमारे सामने आई। उन्होंने कहा कि हम सामान नहीं उठाने देंगे, आपको जाने नहीं देंगे यहाँ से। और क्योंकि कुछ, थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूँ, कि मेरे दादाजी MLA थे, घरौंडा के रहने वाले, करनाल पानीपत के बीच में, हम एक माननीय फैमिली थी, बहुत प्रॉपर्टी थी। तो हमने जब बाबा के कंटेक्ट में रहे, तो मेरे फादर ने अपनी सारी प्रॉपर्टियां बेच के डेरे में इन्वेस्ट कर दी, जो उनकी फैक्ट्रियां लगी हैं, या बाबा ने जहाँ जहाँ कहा, करनाल में मेरी कोठी थी 500 गज की, वो भी हमने सारी वहाँ इन्वेस्ट कर दी। तो जब वो इन्वेस्टमेंट करी, तो कुछ डेरे की ज़मीनें मेरे नाम थी, जब फैक्ट्रियां लगाई तो मैं प्रोपराइटर था, तो उस टाइम ज़मीन मेरे नाम होगी, हमने पैसा भी लगाया था, तो कुछ रजिस्ट्रियाँ मेरे नाम थी, कुछ फैक्ट्रियाँ मेरे नाम थी। वो कहने लगे, पहले आपको ये हमारे नाम करानी पड़ेगी अगर यहाँ से जाना है तो। जी, और आप फिर वापस डेरा गए अपना सामान लेकर, तो आपको तब जान का खतरा नहीं लगा? हैं जी, तब आपको जान का खतरा नहीं लगा? कुछ मेरे कागज थे, मेरे बिना वो मेरे फादर नहीं ला सकते थे, मुझे जाना पड़ा। हाँ, तो आपको उस दौरान धमकाया
उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आपको ये रजिस्ट्री करनी पड़ेगी, वहाँ एक राकेश साधु है, डेरे का बाबे का राइट हैंड है, वो आज भी है, उसने मेरे पास एक पिस्तौल भी रख दी कि अगर आप रजिस्ट्री नहीं करा के जाओगे तो हम आपको जाने नहीं देंगे। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे फादर पापा कहने का जो आपने नाम कराना है, कोई एक्स्ट्रा भी कुछ नाम कराना, हम करा के जाने। उस डेट को हमने रजिस्ट्री कराई है, वो बकायदा वो रिकॉर्ड पे है। वो डेट मेरे को इस टाइम थोड़ा ध्यान नहीं है, कोई बात नहीं, 15/7 ठीक है। तो वो हुई, तो उसके बाद चलो हम ले गए सामान। तो उसके बाद क्या हुआ, डेरे ने मेरे मकान के बाहर एक 4-5 बंदों की टीम बिठा दी, क्योंकि मेरे घर के सामने एक पार्क था, 15 सेक्टर में मैं रहता था पंचकुला में। तो टीम बिठा दी जब उन्होंने, तो वो क्या करते थे, जैसे मैं घर से अगर निकलता था, सारा दिन तो घर में भी नहीं रहा जा सकता, मैंने एक पर्सनल PSO रख लिया जाते ही, कि मुझे पता था ये काम होएगा, गड़बड़ होएगी, मैंने पर्सनल PSO रख लिया। तो एक आधी बार जैसे मैं कभी 2 या 4 दिन में थोड़ा सा जल्द मार्केट तक ही जाना है, कोई सामान लाना है, तो मैं देखूंगा मेरे पीछे मोटरसाइकिल मूव कर रही है, तो मुझे शक हुआ कि बंदे तेरे पीछे हैं, मैंने गाड़ी रोकी तो वो भी रुक गए। तो ऐसे करते करते एक दिन मैंने देखा कि 2-3 मोटरसाइकिल हैं, और मैंने फिर SP को इन्फॉर्म करके 7 बंदे अरेस्ट करा दिए डेरे के। हाँ, अरेस्ट हुए, DDR कटी है, सब कुछ हुआ है। अरेस्ट हुए तो SP ने मुझे बुलाया, और उनके पास से एक डायरी पकड़ी गई जो लिखित थी, पीछे रिकॉर्ड था, डायरी वही चल रही थी, बंदे डेली बदल रहे थे, मतलब जॉब लग गई उनकी। उनको पूछा गया, उनके गले में लॉकेट था भी, आप इनके पीछा क्यों कर रहे हैं और आप इनकी रैकी क्यों कर रहे हैं, कहते हमारे को तो डेरे ने ड्यूटी लगाई है कि इनका देखना है कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, वो हम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं इनका। हाँ, अगर मैं अपने मामा के घर गया कि 3:05 पे उसने लिखा कि अपने मामा के घर गया, बाजार गया तो यहाँ लिखा है, इस टाइप की वो डायरी उनसे पकड़ेगी। पुलिस ने सीधा कह दिया कि भई अब तो ये गड़बड़ है, ये इसको मारेंगे और कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी बहुत बड़ी, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मेरे को उसी टाइम अवेलेबल करा दी गई। हाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, जो गुफा का जिक्र मैंने हाईकोर्ट में अपनी पटिशन में 2011 में भी करा, उस टाइम क्या था कि ऊपर एक कमरा हुआ करता था, बीच में एक कमरा था और एक ग्राउंड लेवल पे कमरा गया, उसके नीचे एक हॉल था काफी बड़ा, और उसके ऊपर एक हॉल था इधर, जिसमें हमारे फैमिली के, बाबा के फैमिली के कमरे बनाए गए थे। वो क्या हुआ, जब मेरा हाईकोर्ट में मैंने सारा डिस्क्रिप्शन दिया, तो वो उसके बाद उसने डिसमेंटल कर दिया सारा, जमीन से लेकर बिल्कुल खत्म कर दिया, और अब जो गुफा बनी है वो सारी नई है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता कि वहाँ क्या बना। रास्ते कहाँ थे, वो आश्रम को खुलता था, साध्वी आश्रम को, उनका पहले भी गेट हुआ करता था, मुझे पता है। नए डेरे की बात कर रहा हूँ मैं, तो मेरी कोठी भी नए डेरे में थी। मुझे और हथियार का तो नहीं पता, पर मुझे ये कंफर्म हूँ मैं 100% कि बाबा हर टाइम अपनी गाड़ी में कहीं भी मूव करता था तो एक पेटी में एक हथियार हुआ करता था, और जिस भी गाड़ी में बैठता था उसका सेवादार वो पेटी उसकी गाड़ी में रखता था, ये मैं कंफर्म हूँ। चलो थोड़ा शॉर्ट करते हैं, उसके बाद सारा कुछ हो, फिर मेरे को सबने सलाह दी कि अगर आपने अपनी जान बचानी है तो आपको बोलना पड़ेगा इसके बारे में, आपको बताना पड़ेगा आपके साथ क्या हुआ। तो मैंने हाईकोर्ट में पटिशन डाली और साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और इंडिया TV ने मेरा लाइव इंटरव्यू लिया, ये इकट्ठा 2-3 दिन में हुआ। उसका खामियाजा मेरे को इतना भुगतना पड़ा कि मैं 5 साल परेशान हुआ, माफी क्यों मांगी वो मैं अब बताना चाहूंगा। सबसे अच्छा तरीका होता है अगर किसी के काबू कोई लड़की है और उसकी फैमिली है, तो दहेज का केस तो बड़ा ऑटोमेटिक 1 सेकंड में डल जाता है, जबकि मेरी जो दहेज का केस मेरे पे डला वो 12 या 13 साल के बाद डला, मेरी शादी के बाद, वो बनता ही नहीं था किसी तरह से। वो दबाव में इन्होंने, MP के इलेक्शन चल रहे थे हरियाणा में उन दिनों, जब ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी हुई, क्योंकि मैं भी मेन बंदा था बाबा का, लड़का लड़की दामाद के रूप में, वो लड़की वहाँ रह रही थी बाबा के साथ, तो संगत के मुंह में क्वेश्चन तो था, पर राजा को काना तो कोई भी नहीं कह सकता, वहाँ पूछ नहीं सकता था कि ये लड़की क्यों रखी है और उसका परिवार क्यों चला गया, पर क्वेश्चन सबके मन में था बहुत बड़ा। तो उसमें क्या हुआ, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया। मजबूरी क्या थी आपको? हाँ, मैं मजबूरी माफी मांगने की बताता हूँ। तो मेरे पे एक दहेज का केस कर दिया गया, जिसमें मेरे फादर, मदर
और मेरे को तीनों को इन्वॉल्व किया गया। हमें पता चल गया 2-2.5 महीने हम लोग भागते रहे, जैसे आज अनिपित भाग रही है, बहुत भागे हम भी, हमने भी बहुत ठिकाने बदले क्योंकि डेरे के इतने फॉलोअर्स थे हमारे को ढूंढने में, पुलिस का इतना रोल नहीं था उस टाइम, पर डेरे के इतने फॉलोअर्स थे, खाली बैठे थे डेरे की गाड़ियां, डेरा का पैसा, किसी का क्या लग रहा है, भागते फिर रहे थे वो भी हमारे पीछे। तो हमारे रिश्तेदारों ने हमारी बड़ी हेल्प करी उस टाइम, पैसा भी दिया, सब कुछ किया, हम तो बिल्कुल रिउंड थे, हमारे को तो उसे खाली भेजा था वहां से, वहां पर कोई पैसा नहीं था उस टाइम, जो था इन्वेस्टमेंट सब वहां थी। तो वो दहेज का केस मेरे पर हुआ, तो 2-3 महीने बाद जाके जस्ट सेशन जज ने या ADG ने उन्होंने मुझे जमानत दी मेरी पूरी फैमिली को कि भाई ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का काउंटर ब्लास्ट है, ये डेरे का काम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है इसलिए इन पे दहेज का केस डाला गया, वो आप ऑर्डर की कॉपी में आपको दे सकता हूँ, पढ़ सकते हैं सर बाद में। मैं वहां से निकला, जो डेरे के वकील खड़े थे, अभी मैं कोर्ट रूम से बाहर आया हूँ, वो उस टाइम कहते चलो यहां से बच गया, दूसरी तैयारी करते हैं, उन्होंने कहा लिटरली ये बात। मैं और पापा समझ गए कि भाई ये कुछ और करेंगे। थोड़ा सा इसको शॉर्ट में थोड़ा सा एक बीच में बात और बताना चाहूंगा, जो ये 2.5 महीने का 2-3 महीने का प्रोसीजर था, वहां पे एक सांगला जज आए उस प्रोसीजर के दौरान, उनकी नेचर थी कि भी जो दहेज का केस आता था वो दोनों पार्टी को बुला के कंप्रोमाइज कराना चाहते थे, तो उन्होंने मेरे को भी टेम्परेरी जमानत दे के हफ्ते की, और उस लड़की को भी बुला लिया और मुझे भी बुला लिया, अपने बैक रूम में बुला लिया। उसने पूछा भी हाँ लड़की से भी बोल क्या चाहती है, क्या सिस्टम है। मैंने कहा, मैंने फोटो में दिखाई भी है, बाबा की लड़की है देखो, लैपटॉप में दिखाई डेरे की सच्ची शिक्षा, वो मुकर की कहती है मेरी फोटो नहीं है, ये सब बनाई हुई है। तो जज साहब को भी समझ में आ गया कि ये लड़की तो बहुत ज्यादा हवाइयों में है, ये काबू आने वाली चीज नहीं। उसने कहा तू बेटा तू बाहर जा। मेरे को कहने लगी, उससे जो मेन बात मैं भूल गया, वो कहने लगी उस लड़की से पूछा भैया तू चाहती क्या है, भाई तुम्हारी नहीं बनती तो तलाक ले लो, काम खत्म करो, किस चीज का झगड़ा है। वो कहती जी तलाक तो दूर की बात है, पहले इसको जेल कराऊंगी विश्वास गुप्ता को, फिर ये माफी मांगेगा और फिर हम सोचेंगे हमने करना क्या है। वो कहते तू बाहर जा, उसने उसको बाहर भेज। मेरे को कहने लगी बेटा ये तो गड़बड़ है सारा काम, मैं देखती हूँ मैंने क्या करना है, तू भी जा। तो जज साहब उधर से आए, हम लोग उधर से गए, उन्होंने क्या किया कि ड्यू टू सम पर्सनल रीजन आई कांट टेक अप दिस केस, गोट फोर सेशन कोर्ट को लिख दिया कि मैं नहीं ये केस करती। उसको लगा कि भाई लड़का भी सच्चा है और हो सकता है उधर से भी कोई सेट हो, तो उन्होंने वो खत्म ही कर दिया। तो चलो छोड़ते हैं, वो मेरी जमानत होगी उस केस में। तो हम लोग पंचकूला आ गए, इन्होंने क्या करा, मेरे पास एक सीड फैक्ट्री का प्रोप्राइटर था मैं उन दिनों जब मैंने डेरा छोड़ा, उसकी चेकबुक क्या हुआ करती, जैसे 100 की लीफ की चेकबुक है, मैं पूरी की पूरी साइन करके छोड़ता था क्योंकि मैं तो डेरे के साथ बाबा के साथ रहता था, मेरे पास कोई फैक्ट्री संभालने का टाइम नहीं होता था, हमने ससुरों में बाबा के साथ रहना होता था, तो वो उनके मैनेजमेंट के पास कह लो या जो फैक्ट्री ओनर है उनके पास संभालते थे जो संभाल रहे हैं। उन्होंने क्या किया, उसमें से एक चेक फाड़ा, 25 लाख का अमाउंट भरा और एक मोहल्ली के ससंगी को दे दिया, उनका ससंगी था, उसने वो कोर्ट में लगा दिया और FIR करा के मिल मिला के मैं पानीपत शिफ्ट कर गया। इन द बिटवीन मैं बता दूं, मेरे रिश्तेदारों ने कहा कि हम सब पानीपत घोंडा के रहने वाले हैं, भी आप वहाँ अकेले पड़ रहे हो, आपका कल्ला मामा रहता है, कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, आप लोग यहाँ शिफ्ट कर जाओ तो हमारी सारी फैमिली साथ है, अगर कोई जुट पड़े तो 10 बंदे खड़े तो हैं आपके साथ, तो हम लोग वहाँ शिफ्ट कर गए इन द मीन टाइम। तो उन्होंने क्या करा, वो मुझे पानीपत, एक दिन मैं अपने घर में बैठा था, मोहल्ली पुलिस मेरे घर पे एंटर हो जाती है, मैंने ही दरवाजा खोला, मेरे घर पे कैमरे लगे हुए थे, मैंने कैमरे में देख लिया कि भाई पुलिस खड़ी है बाहर, चलो दरवाजा खोल दिया, वो लोग अंदर आ गए, कहने लगे जी ऐसे ऐसे ये तो FIR है और इसको अरेस्ट करना है, इसने धोखाधड़ी कर रखी है। मेरे फादर ने उनको सारी कहानी बताई कि भाई ये तो डेरे का काम है और ये तो सिस्टम कुछ और है, हमने कोई धोखाधड़ी किसी के साथ करी नहीं, ना हम इस बंदे को जानते कौन है क्या है आई डोंट नो। वो कहने लगे जी अब तो चलो कोई मजबूरी है और हमें पता नहीं था कि मैं तो अभी शिफ्ट मेरी ट्रांसफर हुई है, जो पहले SHO था वो कर गया, अगर मुझे पता होता कि डेरे का काम है तो मैं आपको आता ना अरेस्ट करने, चलो नो हाउ कि अब मैं तो यहाँ आमद भी डाल चुका हूँ पानीपत में, तो मुझे ये लड़का तो लेके जाना पड़ेगा अपने साथ। तो चलो मेरे फादर कहते कोई बात नहीं आप ले जाओ इसको, मुझे कोई टेंशन नहीं है आप ले जाओ। तो उन्होंने इनोवा गाड़ी लेके आए हुए थे, मुझे उन्होंने गाड़ी में बिठाया, सर्दियों के दिन थे, जो जिसने चेक डाला था मेरे खिलाफ वो उस पुलिस को घर दिखाने आया साथ में, और मेरे घर के बाहर का माहौल उस टाइम ऐसा था कि डेरे के सारे समर्थन खड़े थे कि कहीं से विश्वास निकल के भाग ना जाए अगले पिछले गेट से। और रस्ते में जब उन्होंने मेरे से कहानी सुननी शुरू करी, जो भी ऑफिसर था उसके आंखों में से आंसू आ गए कि भाई इतना बुरा हुआ और हम तो गड़बड़ हो गई। और इन द मीन टाइम क्या हुआ, जिसने मेरे खिलाफ चेक बाउंस का केस डाला था वो भी साथ चल रहा था,
उसका फोन आ गया उसके साथ जो बंदे थे कि सर हमारी तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उस बंदे के टांग पे फ्रैक्चर हो गया। उस बंदे ने जो ऑफिसर था उसके मुंह से एक ही चीज निकली कि भैया उसको तो भगवान ने फल दे दिया और अब हमारा क्या होगा। मैं नहीं पता, मैंने उनको कहा, मैं कहा सर आपने जानबूझ के तो कुछ किया नहीं, जिसने किया उसने फल दे दिया उसको, पर आपका तो कोई कसूर नहीं। पर वो इतना बेचैन हो गया कि भी मैं इस बंदे का करूं क्या, अब लेके जाऊं कि छोड़ूं। उसने SHO को लगातार बात करता रहा, DSP से, बाकी भैया तो गलत बंदा उठा लिया हमने, गड़बड़ हो गई है। वो कहने लगा चलो अब तो कुछ नहीं है तो चलो छोड़ करते हैं। मुझे वहाँ थाने में ले जाया गया, उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करा, भाइयों वाला ट्रीटमेंट किया, उनको कहानी समझ में आ गई। उन्होंने मेरे को पेश किया, 2 दिन का जो रिमांड होता है वो जो फॉर्मेलिटीज हैं वो सारी हुई। निचली कोर्ट ने मुझे जमानत नहीं दी क्योंकि डेरे वाले वकील अड़ गए सारे आ गया। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, सब वकील थे डेरे के वहाँ खड़े मेरे खिलाफ, वो अड़ गए कि हम नहीं होते, तो जो भी हुआ मेरी जमानत उन्होंने नहीं दी और मुझे जेल भेज दिया गया। मैं पटियाला जेल चला गया। जब मेरे फादर मेरे साथ थे, मेरा मेडिकल करा के जो पुलिस साथ थी, वो मुझे जब जेल में छोड़ने गए तो फादर मेरे पढ़े लिखे हैं, एक्सटेंड रिटायर हैं, तो वो अंदर सुपरिटेंडेंट जेल को मिले, उनको बताया कि भाई वो बोलो हाँ गुप्ता जी बोलो क्या बात है। कहते ये ऐसे ऐसे ये मैटर है, ये बाबा इसको यहाँ भी मरवा सकता है और इसकी मैं तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, इसकी लाइफ को आप बचाएं जैसे मर्जी बचाएं। तो उन्होंने मेरे साथ एक फेवर कर दी कि मुझे सबके साथ ना रख के एक जो अलग सेल होता है कोर्ट क्रिमिनल्स का, वहाँ पे मुझे रखा गया, जिसमें बेअंत सिंह राजोवाना जो जिसने मर्डर किया बेअंत सिंह जी का, वो भी बंद था काफ़ी सालों से वहाँ पे बंद है, उसको शायद फांसी की सज़ा है। तो उसने जाते ही जैसे मैं दिन का टाइम ही था, वो खुले घूम रहे थे अंदर सारे और भी कैदी थे 10-15, उन्होंने जाते ही पूछा भी काका तू किमें आया, जैसे पूछते ही हैं। तो मेरा एक तो रोना नहीं रुक रहा था बुरा, मैंने कभी जेल क्या, मैंने थाना भी नहीं देखा था जिंदगी में। तो उन्होंने जब कहा कि मैंने बताया कि मेरे साथ ये कहानी है और डेरे का ये है, तो कहता काका तू चिंता ना कर तू सही जगह आ गया, हम देखते हैं तेरे साथ कौन क्या करता है। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो जेल में मेडिकल कराने लेके जाते हैं, कोई प्रोसीजर होगा, तो 2 पुलिस वाले आए कहते तेरा मेडिकल करा के लाना है। तो मुझे अपने साथ लेके जेल, बहुत बड़ा पटियाला जेल का बहुत बड़ा ग्राउंड है अंदर, तो वहाँ डॉक्टर साहब बैठे थे, तो डॉक्टर कहीं गया हुआ था जब मैं वहाँ पहुँचा, तो काफ़ी कैदी बैठे थे, कोई नए आए होंगे। तो मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी, मैं घबराया भी बहुत ज़्यादा हुआ था, तो मैंने उन्हीं से पूछ लिया, मैं कहा भैया मुझे पानी पीना है, मैं कहाँ पानी पी के आऊँ। वो कहते काका वो सामने नलका लगा हुआ है आप तो वहाँ पानी पिया। जैसे ही मैं पानी पी के हटा और मैंने मुँह यूँ करा तो 2 बहुत तकड़े टंडे कह लो या कैदी कह लो, बड़े तकड़े जो थे वो मेरे, उन्होंने थप्पड़ मारने शुरू कर दिए दोनों तरफ से, एक इधर से मारे, मेरा सिर घूम गया और मैं चक्कर खा के वहीं गिर गया। तो मेरे में इतनी जान कहाँ थी। चलो ये बात मेरे साथ फर्स्ट डे ही हो गई, वो रात मैंने बड़ी मुश्किल से काटी। जेलर ने मुझे एक दो बंदे भी दे दिए कि ये लड़का डरे ना रात को या कोई प्रॉब्लम ना आए। मैंने रोटी नहीं खाई उस दिन, तो मेरी रोटी जा ही नहीं सकती थी अंदर, मेरे साथ इतनी बड़ा सिस्टम हुआ था। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, एक सरदार जी पुलिस की वर्दी में जब हम बाहर घूम रहे थे वो एंटर करा वहाँ हमारे वो जो एरिया था 4 दीवारी में गेट से, और जो हमारे अलग अलग सिंगल सिंगल रूम्स दे रखे थे, यूं कमरे थे सारे, तो उसमें एक सेल था जिसमें सिर्फ बंद रहते थे, उनको दिन में भी नहीं खोलते थे। मुझे बताया गया ये वो लोग हैं जिनके मोबाइल पकड़े जाते हैं, कोई फीम अंदर से पकड़ी जाती है, उनको यहाँ ला के बंद कर दिया जाता है अलग से। तो वो सरदार जी वो मेरे पास भी रुका, कित्थों आया किमें आया, 2 मिनट मेरे से बात करके, फिर उसने वहाँ जाके वो सेल के पास वहाँ जाके उससे खुसर फुसर करी एक बंदे से, और उस बंदे से खुसर फुसर करके वो चला गया। थोड़ी देर बाद उस बंदे ने जिससे वो मिलके गया, बलवंत सिंह राजोवाना वहीं घूम रहा था, उन्होंने उसको आवाज मारी कि बाबा जी गल सुनो मेरी, मैं पानी पी सकता हूँ, तो गल सुनो। तो उसने कहा कि भाई ये जो बंदा सरदार जी आए थे ये मुझे 10 लाख की सुपारी देंगे, और विश्वास गुप्ता कौन है जो नया बंदा आया है, तो उसको बुला के अपने पास किसी तरह तेरे सेल में ही आया है और उसका तू काम तमाम कर दे। तो कहता सुपारी, हाँ सुपारी दी गई आपको मारने के, हाँ जी जेल की बात कर रहा हूँ, हाँ वो जेरे का ससंगी होगा ना कोई, इनके बहुत ससंगी है पुलिस में। तो फिर क्या हुआ, तो उन्होंने जेलर को उसी टाइम राजोवाना ने मैसेज भेजा कि भाई हम मिलना चाहते हैं और ये ऐसे ऐसे बात हो गई है, तो उसको भी लॉकअप से बंदे को निकलवा लिया, वो राजोवाना और मैं हम जेलर के पास चले गए।
तो जेलर को बताया कि आपका ये फलाना बंदा, उसने उसको भी बुला लिया। उसने जेलर ने उससे एक क्वेश्चन पूछा कि मुझे एक चीज बता, तेरा वो क्रेडिट एरिया ही नहीं है, तू ये एरिया में जा ही नहीं सकता, तेरा मतलब ही, तू पहले तो गया कैसे वहां? उसका उसके पास कोई जवाब नहीं था कि तेरे तो वो एरिया में नहीं है, तेरी ड्यूटी नहीं है, तू उस सेल में जा ही नहीं सकता, तेरा मतलब क्या, तू वहां गया क्या करने? और तू वो जो बंदा है वो कह रहा है इसने मुझे सुपारी थी, वो उसके मुंह पे बोल रहा है, वो नार नीचे करके बोलता रहा, उसके पास कोई जवाब नहीं था, वो चुप रहा बंदा। तो जेलर को समझ में आ गया भाई ये तो कहानी सच्ची है। और राजोवाना ने जेलर को भी कह दिया कि अगर तू भी मिला होगा ना डेरे के साथ इस लड़के को मरवाने के लिए, तो हाथ लगा के दिखा देना मेरे बैठे यहाँ, इसको हाथ नहीं लगा सकता कोई जेल प्रशासन भी। हाँ राजोवाना ने कहा मेरे लिए तो आज वो भगवान ही है, चाहे जो भी है, मेरी उसने जान बचाई। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने डीजीपी जेल भी आ गया, जो एक लेटर मेरे हाथ से लिखवा के एक आउट भी कर दी राजोवाना ने, वो जितने भी ट्रिब्यून थे पंजाब के उस टाइम सारा छप भी गया कि भाई बाबा की इतनी ताकत है कि वो जेल में ही मरवा सकते। तो उन्होंने क्या करा अपनी इज्जत बचाने के लिए, उन्होंने प्रेस में ये दे दिया कि भाई ये तो लड़का आया था, इसके साथ लड़ाई होगी, क्या सुनी होगी बाचे, वो उसको गोलमोल करके वो मैटर ख़त्म कर दिया गया। और जेलर मेरे को रोज़ बुलाता कि भैया तेरा कब जमानत होगी, तू यहाँ से जा। और उन्होंने दो बंदे एक्स्ट्रा पुलिस वाले मेरे पास लगा दिए, आज ड्यूटी रोस्टर भी आप जाके चेक कर सकते हैं ना उस जेल का उस वाक्य के बाद, कि भाई इसको कोई मार ना दे, इसका खाना चेक करके भेजो भाई, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम। तो भगवान ने मेरी सहायता करी, मेरे फादर ने बड़ी दौड़ दहस करी, वो मेरी जमानत 14 या 15 दिन बाद मेरी जमानत हो गई। जब मैं जेल से जाने लगा, मेरे फादर आ गए मुझे लेने, मेरी जमानत होगी, तो वहाँ जो सेल था उसके साथ एक सेल और था, वहाँ दो चार लड़के खड़े थे, कहते काका तू इत्थों तो जा रहा है पर बाहर तो जा रहा है, बंदे तो वहाँ भी बहुत हैं, तेन उत्थे देखांगे। मतलब वो उस पार्टी से अलग बंदे थे, मैं चुपचाप वहाँ से वही बता रहा हूँ सर। चलो छोटा कर देते हैं इसको, ये हुआ सारा, दो केस हो गए। जैसे मैं इससे निकला, मुझे राजस्थान में पीलीभीतर में चेक बाउंस का केस डाल दिया 10 लाख रुपए का, ठीक है। उसमें मेरे बड़ी मुश्किलें आई, मैं बड़ा भागा, मेरी FIR हुई, मेरे को हाई कोर्ट जोधपुर से मेरे फादर जाके वहाँ बहुत कुछ हुआ। उसके बाद भी जज ने बाहर होके मेरे अरेस्ट वारंट काट दिए, और मेरे पास दो केस और मेरे फादर इन लाने सिरसा में करे, टोटल मेरे पास 5 केस हुए। और ये मैंने 4 साल भुगता, 2 चेक बाउंस के, एक दहेज का, एक इन जो भाई मानहानि का कह लीजिए, डेफोमेशन, और एक और डला मेरे पर। तो ये मेरे पे इतना प्रेशर बना दिया गया कि मेरे पास कोई चारा नहीं रहा। मेरे खुद के वकीलों ने मुझे सलाह देनी शुरू कर दी कि ये राजस्थान में जो केस है इसमें आपको कन्विक्शन करवाएगा बाबा, छोड़ता नहीं किसी भी कीमत पे। मेरे फादर को कहा गया, और वो बुजुर्ग भी हो चुके थे, वो भी भाग भाग के थका, हमारा तो हमारे पैसा रहा ना, हमारे पास कोई सपोर्ट रही, और इतने बड़े आदमी से कब तक हम झेलते, कब तक करते। तो आफ्टरऑल हमने थक के फिर यही सोचा कि भाई इनसे पेंडा छुड़ा लें तो बहुत बढ़िया रहेगा भी अपनी लाइफ, या तो फिर कैसे करें, कैसे जिएंगे सारी उम्र। हर टाइम डर में जीना बहुत मुश्किल है, आदमी को हर टाइम डर रहा कि भी तेरे साथ कल क्या होगा, नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा, वो कुछ कर नहीं सकते। तो फिर हमने डेरे में एक चिट्ठी डाली, हमारे पास और कोई जरिया नहीं था तो उनको कैसे कम्युनिकेशन किया जाए कि भी हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप हमारा पेंडा छोड़ें, क्या चाहते हैं हमारे को बताया जाए। तो उनने फिर कम्युनिकेशन का जवाब आया, उनकी तरफ से एक बंदा आया, फोन आया, मेरे फादर को डेरे बुला लिया गया साइड पे कहीं पे। उन्होंने मेरे फादर के सामने दो ऑप्शन रखे कि सबसे बड़ी बात तो ये है जो आपने 2011 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुरमीत सिंह और हनीप्रीत के रिश्तों को जो बदनाम करा, जो कुछ कहा, वो आपको बैक होना पड़ेगा, उससे आपको डेरे में आना पड़ेगा, सारी सास संगत के बीच में मीडिया हम बुला लेंगे, आपको कहना पड़ेगा कि हम किसी के धक्के चढ़ के, किसी के सिर पे चढ़ के हमने भाई ये गलत बोला था। और जो उन्होंने स्क्रिप्ट लिख के दी, मेरे फादर ने उससे 100 अन्य फालतू ही बोल दिया। और उन्होंने कहा कि आपके नाम आज कुछ नहीं है डेरे में, एक आपके मकान की रजिस्ट्री है 1300 गज की, वो रजिस्ट्री भी हमारे नाम करा दो। और फिर मेरे फादर ने क्वेश्चन रेज करा कि जो मेरी इतनी प्रॉपर्टी है 40 करोड़ की, जो ये सारा कुछ आपके पास है, आज हम नंग हैं, तो वो तो कुछ दे दो आप। कहते वो हम नहीं देंगे, वो आपने हमारी इतनी बेइज्जती करी है, आपकी प्रॉपर्टी हमारे पास है पर हम देंगे नहीं, वो उसका हर्जाना समझ लीजिए। और आपकी कोठी की जो वैल्यू है, आज मेरी कोठी की वैल्यू 4 या 5 करोड़ रुपए है,
वो कहते हैं भाई हम वो भी नहीं देंगे, हम अपनी मर्जी से जो हमने देना है हम वो ही देंगे, आपने भीख लेनी है ले लो, अपने केस उठवाने उठवाओ, नहीं उठवाने ना उठवाओ। तो हमारे पास कोई हल नहीं था, हमने कहा जो चाहिए, मैंने आज ये भी फादर के थ्रू ये कलवा दिया था, मैं उनको ये भी कह देना अगर विश्वास गुप्ता की जान लेके पेंडा छूटता है, मैं कल्ला था उस टाइम, मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं कल्ला था भी, मेरे फादर मदर रोज जो रोते हैं, जो बिलखते हैं, धक्के खा रहे हैं हर जगह, वो एक दिन रो लेंगे कि मर गया, जो रोज रोज का रोना वो तो बंद हो जाएगा भी। अगर मेरी जान से पेंडा छूटता था, मेरी जान ले लो, पर इस चैप्टर को क्लोज करो, मैंने यहां तक कहके भेजा था। तो हमारे पास कोई चारा नहीं था, जो उन्होंने लिख के दिया, हमने संगत के बीच में जाके वो माफी मांगी, ये हमने इसलिए उनसे माफी मांगी थी, उनके दबाव में माफी मांगी थी, हमारे पास कोई चारा नहीं था, हम कुछ कर नहीं सकते थे, ये तो रहा माफी का सारा प्रकरण। माफी किसने मांगी आपने? अच्छा आप डेरा के इतने काबिल, बहुत क्लोज है विश्वास जी, आप ये थोड़ा सा मेरा सिर घूम रहा है, प्लीज दो हाँ, थोड़ा सिर घूम, अच्छा चक्कर से आ रहा है। सर बहुत मजबूरी है, कुछ नहीं है, तू हिम्मत पूरी हिम्मत हौसला, पानी पी पानी पी पानी पानी पी। उसके बाद क्या हुआ, जब हमने माफी मांग ली तो विद इन 4-5 days, डेट मुझे याद नहीं है, मेरे फादर को याद है, डेरे ने मेरे को म्यूचुअल डिवोर्स का केस उस लड़की से डलवा दिया, हमारे रजामंदी से। और धीरे 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 2014 को जब मैंने माफ़ी मांगी, 2015 तक मेरे सारे केस डेरे ने वापस ले लिए, उन बंदों से उठवा लिया गया कि कंप्रोमाइज़ हो गया, सबने उठा लिया टोटल मेरे केस। उसके बाद वो ऑर्डर्स हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसकी गवाही है, वो ऑर्डर देते हैं कि उसको उठे केस। जो लोग कह रहे हैं कि आज उसने माफ़ी मांगी, उसका फादर गिड़गिड़ाया, और फादर क्या करेगा, आप भी फादर हैं, आप मेरे फादर की जगह होते तो क्या करते उस टाइम। मेरी बहुत बड़ी मजबूरी, आज जो मेरे टीवी पे आने का मेन कारण है, 25-30 दिन हो चुके हैं इस प्रोसेस को, मैं बिल्कुल नहीं आना चाहता था, क्योंकि मेरे को अपनी जान प्यारी है, मेरे को अपनी फैमिली है, मैंने शादी कर ली, मेरी बिटिया भी है, मैं उनको भी देख के आज चूम के आया कि पता नहीं वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा। क्योंकि आज गुरमीत सिंह अगर जेल में भी है, वो इतना ताकतवर है, मैं उसको बहुत पर्सनली बड़ी नज़दीकी से जानता हूँ, वो बहुत जहरीला आदमी है, वो मेरे प्रति कभी जहर बंद नहीं हो सकता। और आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा रहा हूँ, आपको पता नहीं जिंदगी में दोबारा मैं मिलूँ ना मिलूँ, मैं इसकी गारंटी नहीं करता, मेरी और मेरी फैमिली। और मेरे खिलाफ जो केस उन्होंने उस टाइम डाले, हो सकता है संगत से उंगल लगा के अब मेरे खिलाफ कितने हर स्टेट में केस डल जाएं, इसकी भी मैं कोई गारंटी नहीं देता। अच्छा विश्वास जी, सवाल अगर आप जवाब नहीं हो तो पूछे आपसे। सर मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है थोड़ी, आप थोड़ा इसको जल्दी खत्म करें, और उसके बाद आपने कोई पर्सनल क्वेश्चन करने हैं वो अलग आप प्लीज ले लीजिए, मैं कर नहीं पाऊंगा, और ज्यादा करेंगे तो मेरे से हिम्मत नहीं है बोलने की, मैं बड़ी मुश्किल से। जितने भी केसेस हुए, जैसे अभी RC8 के एक मामला चल रहा है, रणजीत सिंह मर्डर केस, रामचंद्र छत्रपति का केस चल रहा है, इससे पहले जो साध्वियों के साथ होता रहा, और साध्वियों ने उनके खिलाफ जो है ओपन लेटर लिखा, क्या सच्चाई है इसमें, आप काफी करीब रहे हैं उनके। ये 100% सच है, ये होता था डेरे में। और मैं इसमें एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, जब 2009 में हनीप्रीत को लड़की बनाया गया, ये सारा वाक्या उससे पहले का होता था, ये यही उसका सिस्टम था, साथ में बुलाता था, उस टाइम कोई मेन मुखिया कोई और था, मैं उस लड़की का नाम नहीं लेता हनीप्रीत से पहले। आज जो टीवी में दिखाया जा रहा है कि हनीप्रीत लड़कियां लाती थी बाबे के लिए, ये करती है वो करती है चूज करती है, मैं इसको थोड़ा काटना चाहूंगा, मेरा अपना पर्सनल है। जब उस बाबा ने उस लड़की को अपनी वाइफ बना लिया, 24 घंटे में से 23 घंटे वो लड़की 23.5 घंटे उसके साथ रहती है, जो मजलिस या सत्संग चलता था बस उसमें वो उसकी स्टेज पे नहीं बैठती थी, हर टाइम उसके साथ रहती है,
और वो इतनी खुंदकी लड़की थी, वो कैसे बर्दाश्त करेगी कि कोई साध्वी या कोई लड़की उसके कमरे में बेडरूम में आ जाए। मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ कि 2009 के बाद सिर्फ हनीप्रीत के साथ ही रिश्ता था। जो आज साध्वियों को या लड़कियों को, वो भी परिवार वाले हैं उनको, मैं सबको लड़कियों को जानता हूँ, उनकी फैमिलीज को जानता हूँ, उनके माँ बाप पे कितना बड़ा धक्का चल रहा है, जो चैनल्स चला रहे हैं या किसी के माध्यम से जो भी चल रहा है। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि 2009 के बाद इसका किसी साध्वी से रिश्ता रहा होगा। ये पहले 100% रहा, क्योंकि ये तो जेनेटिक प्रॉब्लम है इसकी, ये बचपन से ही ऐसा रहा। विश्वास जी, ऐसा नहीं हो सकता कि हनीप्रीत इसीलिए उनके साथ थी कि लड़कियां चाहिए थी बाबे को? ये नहीं हो सकता? ये भी तो हो सकता है। नहीं सर, एक पावर का नशा इतना होता है, आप तो सब मीडिया है पर्सन से, आपको सब कुछ पता है। आज अगर एक चीफ मिनिस्टर है कोई भी अगर बना दिया जाए, उसमें नशा, कुर्सी का नशा इतना ज्यादा हो जाता है, और कुर्सी से उतरता है तो उसकी हालत देखने वाली होती है। जब हनीप्रीत को अपनी वाइफ बनाई और लड़की बनाई, तो उसका तो नशा इतना हो गया, सारा डेरा मैनेजमेंट उसके अंडर आ गया। एक चीज मैं और क्लियर करूंगा, जो आज डेरे की मैनेजमेंट है विपसना चावला, चेयरपर्सन है, लड़की है चेयरपर्सन, उसको सारे अधिकार हैं बाबा के। 2009 से पहले अगर आप डेरे का रिकॉर्ड चेक करेंगे, वहां पे सारा जेंट्स मैनेजमेंट थी, कोई लड़की मैनेजमेंट का कोई मतलब ही नहीं था। जब ये लड़की बनी गई, क्योंकि ऑर्डर इसके चलने थे, तो डेरे की सारी मैनेजमेंट लड़कियों के हाथ में दे दी गई। ये 2009 के बाद चेंज हुआ, आप चेक कर सकते हैं रिकॉर्ड वहां पे। भाई साहब, 2 दिन के अंदर तो मुझे उलझा दिया गया, मेरे खिलाफ FIR होगी, मैं भागता फिरा, मैं ये अपनी जान बचाता कि हाईकोर्ट जाता। कैसे 6 महीने बाद हुई है, मैं आपको डेट दे देता हूँ। 3 तारीख को मैंने हाईकोर्ट मूव करा, 4 को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, 5 को मैंने इंडिया TV पे आया, और उसके विद इन 6 या 7 डे मेरे खिलाफ FIR होगी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये जब पूरा चल रहा था हनीप्रीत बाबा के क्रोध आ गए, ये बातें भी आ रही है कि जो बाबा का परिवार है, उसकी बेटियां और उसका लड़का बेशरी, वो हनीप्रीत से चिढ़ता था और उनका झगड़ा होता था हनीप्रीत को लेकर, इसमें क्या सच्चाई है? मैं एक बात कहूंगा, जो उनका परिवार है बाबा का, चाहे जसमीत है, चाहे उनकी बेटियां हैं, चाहे उनके दामाद हैं, वो लिटरली एक शरीफ खानदान है, बहुत ही शरीफ, मेरे से भी शरीफ है उनका लड़का जसमीत जो है। उनको साथ ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो हनीप्रीत के आने के बाद वो सारा कुछ अपना चलाना चाहती थी, बाबा उसके अंडर था। मैं एक छोटा सा वाक्य सुनाना चाहता हूँ इस बात को क्लियर करने के लिए, अगर मुझे बीच में टोका ना जाए तो। हम कहीं टूर पे बाहर थे, कोडेकनाल में थे, तो जैसे लंच डिनर की टेबल लगी हुई थी, तो बाबा की कुर्सी, उसके बाद हनीप्रीत की कुर्सी होती थी, उसके बाद मेरी कुर्सी होती थी, बाकी परिवार फिर बैठता था। तो हनीप्रीत वाशरूम के लिए उठने के लिए चली गई कि मुझे वाशरूम जाना है, तो बाबा साथ तो वाशरूम जाएगा नहीं, चलो वो चली गई। जब वो उठ के आई, इतने में जो बाबा की बड़ी लड़की थी, उसने सोचा कि मेरे बाप की साथ वाली कुर्सी खाली होगी, वो बेचारी उठ के वहाँ बैठ गई। कोई नॉर्मल सी बात है, कोई भी बैठ सकता है। तो जब वो लड़की आई, उसने देखा कि भाई सीट तो भर गई बाबा के साथ वाली, वो खड़ी रही। तो बाबा अपनी कुर्सी से उठ के दूसरी टेबल पे बाके बैठ गया और हनीप्रीत के साथ वहाँ डिनर करा, हम सारों ने अपनी टेबल पे लिया। इससे ही क्लियर है, मैं ज्यादा बात कहना नहीं चाहता कि क्या सिस्टम। किसने उनकी उनकी तो कोई मैं कहूँ, वो तो बहुत शरीफ लेडी हैं, वो तो कभी बोलती नहीं, वो तो बहुत बैक पे रहती हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, वो कभी बोल ही नहीं सकती इस बारे में। विपाशना का भी सुनने में आया था, विपाशना की और हनीप्रीत की झगड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहानी है। विपाशना वहाँ पे एक नौकर है, हनीप्रीत रानी है, उनका आपस में कोई झगड़ा हो ही नहीं सकता, वो सिर्फ एक वहाँ का मैनेजमेंट का मेंबर है, सारे ऑर्डर बाबा ने और हनीप्रीत ने देने होते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, उनको सबको सारी कहानी का पता था कि ये हनीप्रीत बाबा के साथ रहती है, पर वही है कि वो भी एक तरह से इन्फ्लुएंस में थे, डर में थे, वो उसको कुछ कह नहीं सकते थे। बाबा बाबा जिस तरह से फिल्में बनाता था, क्या लगा कि बाबा कास्टिंग काउच भी था? हां जी, फिल्में मेरे आने के बाद बनी है, उस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, हनीप्रीत एम्बिशियस थी, ये बात आपको? हां जी, आप हनीप्रीत के साथ रहे 10 साल रहे, आप कभी अपने ये बात नहीं कर पाए वो एम्बिशियस है वो किसी भी अंतर बाबा? नहीं, वो एक जब मेरे साथ 10 साल रही, हमारा बड़ा अच्छा रिलेशन रहा आपस में, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा
एम्बिशियस है या वो है, मुझे सिंपल लड़की लगती थी। ये फिल्मों का चस्का कैसे लगा अनिप्रीत और बाबा? ये तो वो दोनों ही आपको जवाब दे सकते हैं क्योंकि मैं 2011 में आ चुका था। आपकी वाइफ थी तो आपको पता नहीं भी उसको फिल्मों में इंटरेस्ट था या नहीं? वो बाबा को ज्यादा इंटरेस्ट था है? बाबा को ज्यादा इंटरेस्ट था, शुरू से फिल्मों का इंटरेस्ट था, वो फिल्में देखा भी करते थे। तो हो सकता है उनके जब साथ हर टाइम 24 घंटे बाद बंदा साथ रहेगा तो कुछ भी। अच्छा एक चीज बताइए, अभी अनिप्रीत के पेरेंट्स उसकी मदद कर रहे हैं, उनके लिए उनका उसे पूरी तरह से किया? मेरी उनके साथ बहुत बड़ी सिम्पथी है, उनकी फैमिली के साथ। जब मेरे केसेस चल रहे थे उनके चाचा ताऊ वगैरह काफी रिनॉन्ड अच्छी फैमिली है, उनका MRF का बिजनेस है, तो उन्होंने उनके फादर को कहा कि भाई जब शादी में 1 रुपए का दहेज नहीं लिया था गुप्ता जी ने, सब जानते हैं हम, कोई बात ही नहीं हुई थी, तो ये कैसे आपने दहेज का केस कर दिया? उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब दिया था कि भाई जैसे गुप्ता जी का हाल हुआ, आज वो दर दर की ठोकरे खा रहे हैं, अगर हम भी कोई आवाज उठाएंगे हमारा भी हाल वो कर दिया जाए। इस टाइम कर रही होगी वो, उसका डेरा मैनेजमेंट या डेरा ही उसके साथ। सारा बिजनेस नहीं संभालते थे, वो एक आधी फैक्ट्री ही संभालते थे। नहीं, मैं नहीं मानता कि उसको साथ कुछ